कक्षा 10 के प्रिय छात्र, हिंदी विषय के संस्कृत खंड में अगला शीर्षक है प्रबुद्ध ग्रामीण। प्रबुद्ध उपसर्ग विशेष अर्थ में प्रयोग की जाती है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त, चतुर निपुण शिक्षित अर्थात विशेष ज्ञान का, बुद्धिमान ग्रामीण गांव का रहेगा, गांव के रहने वाले व्यक्ति को ग्रामीण कहते हैं और नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। विनोद से पूर्ण यह गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने एक शहर के और एक गांव के व्यक्ति की चर्चा की है, क्योंकि गांव के लोगों को शहर वाले लोग आज भी कम पढ़ा लिखा, कम बुद्धिमान और यहाँ तक कि कुछ हीन दृष्टि से देखते हैं। उसी का खंडन किया लेखक ने कि यह आवश्यक नहीं कि गांव का रहने वाला व्यक्ति कम बुद्धिमान हो और शहर का रहने वाला बुद्धिमान हो, क्योंकि ज्ञान सब जगह हो सकता है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, उसका कोई निश्चित एरिया नहीं है। यही कहानी इस गद्यांश में दर्शाई गई है। समझने की कोशिश करें, पहले सरदार उसके बाद तिलियन। एक बार बहवह जनाम धूप यान मारू है नगर पति गच्छन देश। एक बार बहवह बहुत से जनाम लोग मनुष्य धूम यान और रेल आरुह चढ़कर नगरम शहर की प्रति ओ गच्छन्ति जाते हैं, लेकिन इष्णु रहे थे, क्यों वर्तमान की क्रिया में इष्णु जोड़ने पर भूतकाल हो जाता है। जैसे अस्त्र के पीछे अगर हम इष्णु लगा लेंगे, अस्त्र का मतलब है उपस्थित है, लेकिन इष्णु हो जाने पर वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है क्रिया। जा रहे थे एक बार बहुत से लोग रेल में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, तेस माने उनमें, केचित माने कुछ, ग्रामीण माने गांव के, केचित च माने और, केचित माने कुछ, नागरिका शहर के रहने वाले आसन थे। उस रेल में कुछ गांव के लोग थे और कुछ शहर के लोग थे। मौन में स्थित देश में नागरिक ग्रामीण पहचान अपराध थे। ग्रामीण क्या पूर्वत अशिक्षिता क्या शासन थे। मौन में शांत चुपचाप स्थित बैठे हुए देश उनमें से एक नागरिक एक शहरी ने, एक शहर के रहने वाले व्यक्ति ने ग्रामीण गांव वालों की उपहासन मजाक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, हंसी करते हुए अकथ्य कहा। शांत बैठे हुए उन लोगों में से एक शहर वाले ने गांव वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा, ग्रामीण अद्यापि ग्रामीण गांव वाले आज भी गांव के रहने वाले लोग आज भी पूर्ववत पहले की तरह अशिक्षिता बिना पढ़े लिखे, हमारे नहीं शिक्षिता में पहले अज्ञाश्च और ज्ञानी, उन्हें ज्ञान नहीं, संत हैं। शहर वाले व्यक्ति ने कहा कि आज भी गांव के लोग पहले की तरह ही बिना पढ़े लिखे में और अज्ञानी है, न तेसा विकास अभाव न च भवितुम
शब्द होते न माने नहीं जैसा माने उनका विकास माने विकास माने हुआ न तो गांव वालों का विकास हुआ न च भावितुम शक्त होती न माने नहीं च माने और भावितुम माने को सकुच माने सकता है और न उनका विकास हो सकता है न आपका उनका विकास हुआ है और न उनका विकास आगे भी हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं कृत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः आब्रवीत् तस्य माने उस शहरी के तादृश माने उस प्रकार के जल्पनं माने बातचीत को उनके बातों को कृत्वा सुनकर कोऽपि कोई भी चतुरः हो चतुर निपुण ग्रामीणः हो आब्रवीत् गाँव वाला तोता उस शहरी के उस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर कोई चतुर गांव वाला बोला भद्र नागरिक भले नागरिक हे भले शहर में रहने वाले भगवान देव आप ही किंचित कुछ ब्रवीत कहें या तो ही भगवान शिक्षित यह तो माने क्योंकि हिमालय निश्चय ही भगवान माने आप शिक्षित हमारे पढ़े लिखे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं बहुत ज्ञानी हैं चर और अस्तित हैं। चतुर ग्रामीण ने कहा हे भले नगर रहने वाले पुरुष आप ही कुछ कहें क्योंकि आप निश्चय ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्ञानी इदम आकरणी इदम माने यह आकरणी माने सुनकर स माने वह नागरिक माने नगर में रहने वाला सदर्पम बड़े घमंड के साथ घमंड से ग्रीवां गर्दन को उन्मय ऊंचा करके अकथ्य बोला तब यह सुनकर वह शहरी बड़े घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा करके बोला कथिष्यामि कहूंगा परम पूर्वम समय निधातव्य परम लेकिन पूर्व माने पहले समय हमारे प्रतिज्ञा सर्व विधातव्य तय करनी चाहिए। शहर वाला बोला कहूंगा जरूर लेकिन पहले सर्व बदलनी चाहिए सर्व रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा तस्य माने उसकी ताम माने उस वार्ता माने बात को सुनकर माने सुनकर उसकी उस बात को सुनकर स चतुरः ग्रामीणः वह चतुर ग्रामीण बोला हो वयम अशिक्षिता अरे वयम हम सब अशिक्षिता बिना पढ़े लिखे भगवान से शिक्षित और आप शिक्षा प्राप्त हैं वयम अल्पज्ञा हम अज्ञानी बहुत कम जानते हैं भगवान से बहुत ज्ञान आप बहुत ज्ञानी हैं। एवं विद्या इस बात को जानकर आसमान ही समय कर्तव्य हमारे साथ सर्प बदनी चाहिए। ग्रामीण ने कहा हे पुरुष आप बहुत जानकार हैं हम तो अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं हम अज्ञानी हैं आप बहुत ज्ञानी हैं यह जानते हुए हमारे साथ सत्य करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेतम प्रक्षा हम सब वयम हम सब परस्परम आपस में प्रहेलिका पहेली प्रक्षाम पूछेंगे हम सब आपस में पहेली पूछेंगे यदि भगवान उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यति यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तदा भगवान 10 रुपये का दास्यति तब आप 10 रुपये देंगे। दोनों में बात तय हो गई कि हम आपस में पहले पूछें गांव वाले ने कहा यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे यदि
हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपयों के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत समय उस शहर वाले ने कहा, आम माने आम, स्वीकृत माने स्वीकार है, समय माने सत्य, हाँ आपकी शर्त स्वीकार है। यदि कथित ऐसा कहने पर 10 मिले न गए तो शहर वाले के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सब ग्रामीण उस गांव वाले नागर का मौधर नगर वासी से कहा, शहर वाले से कहा, प्रथम भवान प्रक्षित, प्रथम माने पहले, भवान माने आप, ये माने ही, प्रक्षित माने पूछ, पहले आप ही पूछे। नागरिकश्च नागरिक उस शहर वाले ने तम उसको ग्रामीण गांव वाले को अकथ कहा, तब शहर वाले ने गांव वाले से कहा, त्वम एव प्रथमं पृच्छ, त्वम तुम एव ही प्रथमं पहले प्रश्न पूछो, एक ऐसा तुम ही पहले पूछो, ऐसा कहा। इदं श्रुत्वा स ग्रामीणं भवत निमित्तम् अहमेव प्रथमं पृच्छामि। इदं माने श्रुत्वा माने सुनकर, स माने युवा, ग्रामीण माने गाँव वाला, अवगत बोला या सुनकर वह गांव का रहने वाला बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव मैं ही प्रथमं पहले पृच्छामि पूछता हूँ। इस बात को सुनकर वह गांव वाला बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ।